सो गाइज वेलकम टू प्ले कंसोल। फाइनली यहाँ पे प्लेशन 5 रिवील हो चुका है, इसका फर्स्ट लुक भी रिवील हो चुका है और इसके गेम्स भी रिवील हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको प्लेशन 5 के गेम्स के बारे में बताने वाला हूँ और प्लेशन 5 का जो डिज़ाइन है उसके बारे में मैं अपने ओपिनियंस देने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसके बात करते हैं गेम्स के बारे में, क्योंकि फ्यूचर ऑफ गेमिंग इस इवेंट का नाम था, तो बेसिकली हम गेम से ही स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ बहुत तरह के सरप्राइजेस देखने को मिले, बहुत सारे फर्स्ट पार्टी गेम्स भी देखने को मिले। तो फर्स्ट गेम जो दिखाया गया वो प्लेस्टेशन स्टूडियो की तरफ से था, यानी कि फर्स्ट पार्टी गेम था और वो था स्पाइडरमैन 2। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था, किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि स्पाइडरमैन 2 का टीजर दिखाया जा सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन रिसेंटली लॉन्च होने वाला गेम था और इतनी जल्दी इसका सीक्वल आना तो पॉसिबल नहीं था। फिर भी यहाँ पे स्पाइडरमैन 2 का टीजर दिखाया गया, तो इट वॉज अ शॉकिंग एंड ऑल्सो सरप्राइजिंग। सो यहाँ पे स्पाइडरमैन 2 का हमने टीजर देखा जो कि माइंड ब्लोइंग था, और यहाँ पे क्रिसमस टाइम में न्यूयॉर्क सिटी को प्रेजेंट किया गया है, तो डेफिनेटली स्नो टाइम में आपको खेलने का मौका मिलेगा न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन 2 में। तो माइल्स की स्टोरी है, जो कि स्पाइडरमैन अगर आपने खेला हो तो आपको पता होगा माइल्स कौन है और माइल्स को ये पावर कहाँ से मिली। तो बेसिकली ये पीटर के ऊपर शायद कहानी नहीं है, माइल्स के ऊपर है। स्पाइडरमैन 2 मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इस वीडियो में कुछ मेजर गेम्स को कवर कर रहा हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, उन गेम्स को मैं कवर कर रहा हूँ। तो उनमें से एक है रिसेंट एविल 8। मुझे एक्सपेक्ट था कि रिसेंट एविल 8 दिखाया जा सकता है, क्योंकि इसके रूमर्स बहुत ज्यादा चल रहे थे और मैंने अपनी वीडियोज में भी आपको बताया था कि रिसेंट एविल 8 दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें रिसेंट एविल 8 देखने को मिला और बहुत ही जबरदस्त ग्राफिक्स के साथ देखने को मिला। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, रिसेंट एविल 8 का नाम विलेज है और ये चीज पहले भी लीक हो चुकी है, और इसमें रिसेंट एविल 4 का एनवायरनमेंट को थोड़ा इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे आपको विलेज और कासल दोनों दिया गया है, यानी कि दोनों जगह प्लेएबल होंगे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए और पूरी तरीके से एक हॉरर एनवायरनमेंट मिलने वाला है आपको। मुझे इसका टीजर में विलेज रिसेंट एविल 4 की तरह लगा काफी, और उसके लोग भी, और यहाँ पे बेसिकली इसमें वेयरवुल्फ भी दिया गया है जिसके रूमर्स चल रहे थे बहुत टाइम से कि वेयरवुल्फ रिसेंट एविल 8 में आपको देखने वाला है। तो डेफिनेटली एक परफेक्ट मूव है कैपकॉम की तरफ से। और आपको मैं बता दूं, यहाँ पे कैपकॉम ने एक और टीजर लॉन्च किया है गेम का जिसका नाम है प्रैगमाटा। प्रैगमाटा भी एक न्यू आईपी है कैपकॉम का जो फर्स्ट प्लेस्टेशन 5 पे लॉन्च होने वाला है और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मल्टी प्लेटफॉर्म गेम है। प्रैगमाटा एक न्यू आईपी है कैपकॉम की तरफ से और स्पेसमैन के ऊपर कुछ कहानी है ये, जो किसी बच्ची को बचाता है और पूरी इसकी जर्नी होगी। पता नहीं, गेम्स के बारे में कुछ ज़्यादा रिवील नहीं किया गया कि किस टाइप का गेम है, फर्स्ट पर्सन होगा कि थर्ड पर्सन होगा, या इसकी स्टोरी कैसी होगी या गेम प्ले मैकेनिक कैसा होगा, कुछ भी रिवील नहीं हुआ सिवाय इस ट्रेलर का। तो प्रैगमाटा का ग्राफिक्स जो है मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त ग्राफिक्स, नियरली फोटोरियलिस्टिक ग्राफिक्स था। प्रैगमाटा का ग्राफिक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कैपकॉम की तरफ से ये एक न्यू आईपी था और न्यू मूव था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैपकॉम 2021 अप्रैल से पहले 93 गेम्स को लॉन्च करने की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसमें से एक प्रैगमाटा भी है। और एक एक्स्ट्रा गेम में बात करें स्ट्रे के बारे में, तो स्ट्रे एक फ्यूचरिस्टिक गेम है जहाँ पे साइबरपंक जैसा जो एनवायरनमेंट है, जो फ्यूचर एनवायरनमेंट है वो दिया गया है, जिसमें आप एक कैट को लेकर खेल सकते हैं जो रोबोट्स के बीच रहने वाली है। तो उसकी एक प्लेएबल स्टोरी जो होगी वो हमें देखनी है कैसी होगी, और डेफिनेटली ये गेम का ग्राफिक्स भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सारे प्लेस्टेशन 5 के गेम्स होने वाले हैं, तो डेफिनेटली इनमें ग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है, लेकिन इसका गेम प्ले रिवील नहीं हुआ है, ये एक टीजर ट्रेलर था। तो देखते हैं गेम प्ले कब तक रिवील होता है, फिलहाल के लिए इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आई है निकल के। अब लास्ट में बात करते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड गेम के बारे में, होराइजन जीरो डॉन 2। बहुत दिनों से इसके रूमर चल रहे थे, मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया था कि होराइजन जीरो डॉन 2 के बहुत ज़्यादा चांसेस है इस इवेंट में दिखाने के, इसके टीजर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इस इवेंट में होराइजन जीरो डॉन का ट्रेलर हमें दिखाया गया और डेफिनेटली माइंड ब्लोइंग ग्राफिक्स लगा मुझे। कैरेक्टर मॉडल में काफ़ी इंप्रूवमेंट दिया गया है, अगर एलॉय के आप हेयर को देखेंगे तो हेयर को जो काफ़ी अच्छे से रेंडर किया गया है, जो कि होराइजन जीरो डॉन में नहीं हो पाता क्योंकि वो PS4 का गेम था। यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट भी काफ़ी अच्छी दी गई है, तो डेफिनेटली होराइजन जीरो डॉन एक नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। और होराइजन जीरो डॉन का ऑफिशियल नेम फॉरबिडन वेस्ट दिया गया है, तो वेस्ट में ये गेम दिया गया है। और इस बार गेम में जो इंप्रूवमेंट किया गया है वो ये है कि आप अंडर वाटर गेम प्ले भी अब इंजॉय कर सकते हैं एलॉय को लेकर, यानी कि अंडर वाटर गेम प्ले और अंडर वाटर क्रिएचर भी आपको देखने को मिलेंगे इस गेम में। तो डेफिनेटली क्रिएचर के मामले में और एनवायरनमेंट के मामले में या गेम प्ले के मामले में, सभी मामलों में ये गेम जो है एक इंप्रूवमेंट है बहुत बड़ा होराइजन जीरो डॉन से। इसका रिलीजिंग डेट अभी ऑफिशियली कंफर्म कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये आई थिंक 2021 में आपको देखने को मिलेगा, हॉलीडे में आपको देखने को शायद नहीं मिले। तो अब वेट करते हैं होराइजन जीरो डॉन का, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड गेम है और होराइजन जीरो डॉन मैंने भी खेला है, तो 2 भी डेफिनेटली मैं खेलूंगा। अब यहाँ पे फाइनली आते हैं अपने कंसोल्स के ऊपर। प्लेस्टेशन 5 का जो कंसोल है वो रिवील हो चुका है व्हाइट एंड ब्लू कलर में, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कंट्रोलर पहले ही रिवील हो चुका था। और यहाँ पे ये स्लिम वर्टिकल शेप में दिया गया है, तो डेफिनेटली ये भी बताया गया था कि वर्टिकल शेप में होने वाला है एक्सबॉक्स जैसा, लेकिन ये एक्सबॉक्स से डिज़ाइन के मामले काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे काफ़ी स्लिम और थिक दिया गया है डिज़ाइन, लेकिन थोड़ा सा इसका जो हाइट है वो ज़्यादा है एक्सबॉक्स से। कंसोल में मैं कहूँगा एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, एक जनरेशन लीप है। रीज़न क्या है कि एक्सबॉक्स में कंसोल में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिया गया है,
सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर के डीपैड में इंप्रूवमेंट आपको थोड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन प्लेशन 5 के कंट्रोलर में आपको हैप्टिक फीडबैक और एडेप्टिक ट्रिगर, ये बहुत बड़ा एक मेजर लीप दिया गया है। तो डेफिनेटली गेमिंग एक्सपीरियंस आपका नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो हैप्टिक फीडबैक और एडेप्टिक ट्रिगर ये एक बहुत ही इमर्जिंग एक्सपीरियंस होने वाला है आपके लिए नेक्स्ट जेन गेम्स के साथ। तो अगर कंसोल्स के मामले में कहूंगा मैं, तो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से बहुत ज्यादा मेजर लीप दिया गया है प्लेशन 5 में। और प्लेशन 5 का 2 एडिशन आने वाला है, एक डिजिटल एक नॉर्मल एडिशन। तो डिजिटल एडिशन में और नॉर्मल में क्या फर्क है? डिजिटल में सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है कि उसमें ब्लू रे डिस्क नहीं लगेगा, उसमें ब्लू रे डिस्क का स्लॉट नहीं दिया गया है। वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल एडिशन की तरह है, बस ब्लू रे का डिस्क नहीं दिया गया है। वहाँ पे मीडिया रिमोट और हेडसेट दिया गया है और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। और वहाँ पे जो आप गेम्स खेलेंगे डिजिटल एडिशन में, अगर आप गेम खेलेंगे तो आपको डाउनलोड करके खेलना पड़ेगा, बेसिकली क्लाउड गेमिंग आप कह सकते हैं उसे। उसमें डिस्क आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन क्लाउड गेमिंग है वो पूरी तरीके से। तो उसमें आपको शायद स्टोरेज का इशू थोड़ा आ सकता है, आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज लगाना पड़ेगा क्योंकि गेम्स जो हैं डिस्क में नहीं होंगी, आपको क्लाउड गेमिंग करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली शायद आपको स्टोरेज का इशू हो सकता है, लेकिन डिज़ाइन के मामले में दोनों सिमिलर हैं। बस डिजिटल एडिशन में आपको डिस्क सपोर्ट नहीं होगा और बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ आपको दी जा रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है मेरे ख्याल में। अगर कंसोल्स के बारे में मैं बात करूँ तो एक्सबॉक्स सीरीज एक्स से PS5 काफ़ी ज़्यादा मुझे बेटर लगा है सभी चीज़ों के मामले में, क्योंकि एक्सबॉक्स ने अपने कंसोल्स या कंट्रोलर में कोई भी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं दिया है। ज़्यादा क्या, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिया सिवाय उनके डीपैड को चेंज किया अपने कंट्रोलर को। तो ये कोई बहुत बड़ा मेजर लीप नहीं हुआ, ये आपको सेम एक्सपीरियंस देने वाला है गेम्स के मामले में, जो कि आप एक्सबॉक्स वन में भी ले सकते हैं। और अगर गेम्स के बारे में बात की जाए तो बहुत लोगों का ये भी सवाल होगा कि इन गेम्स के ग्राफिक्स अनरियल इंजन 5 से ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो मैं बता दूं कि अनरियल इंजन 5 का ग्राफिक्स जो है वो डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन सब गेम्स के अपने इंजन होते हैं। तो डेफिनेटली अनरियल इंजन 5 का भी गेम्स आने वाला है बहुत ज़्यादा, उसमें जो आपको ग्राफिक्स मिलेगा वो काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अब इंजन के बारे में बात की जाए तो कैपकॉम का अपना इंजन है, जैसे जिसमें रिसेंट एविल 8 बनेगा, या फिर रिसेंट एविल 7 जिसमें बना था जिसका नाम है RE इंजन। तो रिसेंट एविल 8 का अपना इंजन है, GTA 5 का, GTA सीरीज का अपना इंजन है जिसको रेज इंजन कहते हैं। तो सभी गेम्स अनरियल इंजन में नहीं आती है, तो सबका अपना इंजन भी होता है। तो जो गेम अनरियल इंजन में आएंगी तो उसका ग्राफिक्स आपको नैनाइट जैसा होगा, और यहाँ पे बाकी गेम्स में के इंजन में भी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो फ्यूचर में आप 2023 तक आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर लुकिंग गेम देखने को मिलेंगे अभी से। इनफैक्ट अभी के जितने भी टीजर ट्रेलर गेम्स के दिखाए गए हैं उनसे काफ़ी बेटर लुकिंग गेम आपको 2023 और 2024 के टाइम पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिगिनिंग में पता है हमें बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग गेम्स नहीं आते हैं, फुल पोटेंशियल पावर जो है यूज़ नहीं होता है कंसोल्स का, लेकिन एंड साइकिल में बहुत ज़्यादा फुल पोटेंशियल में पावर यूज़ होता है। जैसे प्लेशन 4 में आप देख सकते हैं पुराने गेम्स जो थे वो उतने ज़्यादा बेटर नहीं थे जब अनरियल इंजन 4 का डेमो दिखाया गया था प्लेशन 4 के लॉन्च के टाइम पे, लेकिन अभी आप अगर गेम देखें लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 या फिर रेड डेड रिडेम्पशन, ये सारे गेम्स उससे फार बेटर है। तो डेफिनेटली 2023 के बाद आपको बहुत ही बेटर लुकिंग गेम अभी से देखने वाले हैं, सो डोंट वरी फॉर ग्राफिक्स। तो यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन है, एक पॉजिटिव ओपिनियन है प्लेशन 5 को लेकर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कंसोल्स और इसके गेम्स, क्योंकि एक्सबॉक्स सीरीज एस का इवेंट मुझे बहुत ही घटिया लगा था। एक थर्ड पार्टी इवेंट था और उसमें कुछ भी खास नहीं दिखाया गया था, सभी गेम्स करंट जनरेशन लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे गेम्स जो हैं जो नेक्स्ट जेन लग रहे हैं। तो डेफिनेटली प्लेशन 5 का जो इवेंट है वो बहुत ही अच्छा है, और फ्यूचर में हमें अच्छे अच्छे गेम्स और भी देखने को मिलेंगे, और भी सीक्वल्स देखने को मिलेंगे, गॉड ऑफ वॉर हो गया, और भी बहुत सारे ट्रिपल ए टाइटल्स जो हैं जो अभी दिखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको प्लेशन 5 का फर्स्ट लुक कैसा लगा, और आपको कौन सा गेम का ट्रेलर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा जो आप खेलना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।